तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं एसएमटी ब्लॉगर। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज एक ब्लॉग लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज क्या है, मैं टोपी वगैरह देख करके, कुर्ता देख करके तो आप समझ ही गए क्या है। तो आज है ईद और मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? नहीं, अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये मैंने टोपी लगाया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। आई नो, काफ़ी समय के बाद में ये ब्लॉग आया आ रहा है, आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, 2 से 3 साल है ये कोविड बराबर चल रहा था और 2 साल से हम लोग ईदगाह में नमाज़ नहीं अदा कर पाते। और कुछ लोग, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता दूँ कि ईद की जो नमाज़ होती है वो ईदगाह में हम लोग अदा करते हैं। एक्चुअली 2 साल से कोविड की वजह से ईद की नमाज़ ईदगाह में नहीं अदा कर पा रहे थे, तो ये 3रा साल है जो कि हम लोग ईदगाह में नमाज़ अदा कर पाएंगे। तो हम लोग रेडी होकर के ईदगाह के लिए जाने वाले हैं और चलिए दिखाते हैं और आप लोगों को, आप सभी को ईद मुबारक। माशाल्लाह, ये रही हमारी ईदगाह। तो दोस्तों, अभी घर से हम लोग आ चुके हैं अभी ईदगाह के लिए। अभी कुछ ही देर में नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलेंगे क्योंकि सभी लोग अंदर जा रहे हैं, वक्त हो चुका है नमाज़ पढ़ने का। तो मिलते हैं नमाज के बाद। दोस्तों, 20 से 25 मिनट में सभी लोगों ने यहाँ पर नमाज़ अदा कर ली और सभी ने अपने मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की है। और अब सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अभी मैं भी कुछ दोस्तों से गले मिला हूँ और बाकी कुछ लोग घर जा रहे हैं अपने, और यहाँ पर सभी लोग गले मिल रहे हैं। और हमारे यहाँ के मुफ्ती साहब हैं जो, उन्होंने नमाज़ अभी अदा करवाई, यानी नमाज़ अभी पढ़ाई है। तो फाइनली ईद की नमाज़ हो चुकी है और अब हम लोग घर के लिए अपने रवाना हो रहे हैं। तो पीछे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को बच्चा पार्टी, मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये सारे कुछ सारे बच्चा पार्टी है। ये हमारे चाचा का लड़का है, देखो ये रो रहा है। अरे चुप जाओ यार, चुप जाओ। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपने घर। ये हमारा घर है सामने और ये हमारे पड़ोसी हमारे कपिल भाई हैं और ये लोग भी अभी थोड़ी देर पहले आए। तो दोस्तों, अभी मैं अपने छोटे भाई से मिला देता हूँ। ये रहा मेरा छोटा भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। कोरोना की वजह से 2 साल हम लोगों ने ईदगाह में ईद नहीं अदा की। फाइनली आज ईदगाह में नमाज़ अदा करके बहुत ही अच्छा लगा और सभी ने नमाज़ अदा की, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही खुश हैं सभी लोग, जो कि बहुत दिन से इसका इंतज़ार था, यानी कि 2 साल से इसका इंतज़ार था। फाइनली वो घड़ी यानी कि ईद आ चुकी है और 2 साल में हम लोग ईदगाह नमाज़ अदा करके आ पाए हैं। ये भी आज बहुत खुश है, क्योंकि 2 सालों के बाद में ईदगाह में आज नमाज़ पढ़ने को मिली है तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये दोनों पड़ोसी दोनों लोग ईद मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम, ईद मुबारक लीजिए। ये हमारे अकील भाई हैं और ये अभी थोड़ा बाहर से आए हैं, ईद आज है इसलिए यहाँ पे रुके। कुछ बोल दीजिए, ईद मुबारक वगैरह। ईद मुबारक सबको। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को मिला देता हूँ मेरे दोस्त वाहिद निजामी से। तो ये मेरे साथ हैं वाहिद निजामी। ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक।